मैं एक बार फिर से करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में किसी टॉपिक पर बनाने वाली नहीं हूँ। आज की वीडियो है सवाल आपके जवाब हमारे। जी हाँ, इस वीडियो में मैं क्या करती हूँ, जो आप लोगों के कमेंट्स आए होते हैं उनमें से जो सिलेक्टिव कमेंट्स होते हैं, जो मुझे लगता है कि इनके आंसर देने बहुत जरूरी है, उन कमेंट्स को मैं लेकर आती हूँ और उनके जवाब मैं आपको एक वीडियो में देती हूँ। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कितने दिनों बाद लेकर आती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में कवर कर सकती हूँ तो उन कमेंट्स को मैं लेकर एक वीडियो बना देती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ही छुपा है आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मेरे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली दूंगी। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का कमेंट। सबसे पहला कमेंट आया है ओम प्रकाश शर्मा जी का। वो कहते हैं कि मैम हिंदी क्लास एक से पढ़ाओ। जैसे कि मैंने हिंदी में सभी मात्राएं करा दी हैं, विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब मैं लेकर आई हूँ। इसमें हमने व्याकरण काफी सारी कर ली है, तो आप हिंदी क्लास एक में क्या चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्लीज आप मुझे बताइए ताकि मैं उस टॉपिक को कवर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि एक किसी भी स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं लगती है। होता क्या है, हर स्कूल में अलग अलग प्रकार की बुक लगाई जाती है, तो मैं किस चीज को कवर करूं, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज मुझे टॉपिक दीजिए, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगला कमेंट आया है कुलदीप दीक्षित जी का। उनका कहना है कि मैम आपकी हिंदी वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बेटी को हिंदी लिखना पढ़ना सिखा पाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश भी लिखना पढ़ना बताएं जिन लोगों को, जो लोग हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं। जी कुलदीप दीक्षित जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि जो लोग कहीं और सोर्स उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वो मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ा पा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनडायरेक्ट वे में मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, तो इंग्लिश के लिए देखिए लास्ट क्यूएनए वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि बच्चा रीड कैसे करे, तो इसके लिए मेरे चैनल पे आप केजी इंग्लिश के नाम से वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल को ओपन कीजिए, उसमें है केजी इंग्लिश। केजी इंग्लिश को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं, फोनिक्स से स्टार्ट करके मैंने प्रॉपर सीवीसी वर्ड्स पढ़ना और उसके बाद आगे फर्दर रीडिंग करना सिखाया है। इतना आप कराइए, आगे मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट कमेंट आया है मोनिका चौहान जी का। वो कहती है कि मैम क्लास वन के किड्स के लिए इंग्लिश, अच्छा पहले था क्लास वन के लिए हिंदी, अब क्लास वन के लिए इंग्लिश। तो क्लास वन के लिए इंग्लिश में अगेन मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ बार बार कि टॉपिक बताइए क्या चाहते हैं क्लास वन में। ग्रामर पोर्शन मैं वेरी सून लेकर आने वाली हूँ, तो उसके अलावा सीवीसी वर्ड्स मैं करा चुकी हूँ, अब आगे आप क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। नंबर नेम्स की वीडियो हेल्पफुल रही, थैंक यू सो मच मोनिका जी कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है, हेल्प होती है। धन्यवाद जी, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया। अच्छा अगला कमेंट करते हैं सुरभि कुमार जी। उनका कहना है कि इफ फर्स्ट वॉवल वर्ड में आ रहा है तो सेकेंड वॉवल की साउंड मिस कर देते हैं, लाइक ए प्लेग। धन्यवाद सुरभि कुमार जी। सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बड़ा माइन्यूटली और पूरा अच्छे से देखा। सेकेंडली आपने मुझे बताया कि क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो इसको मैं जरूर क्लियर करूंगी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है, पहले हम उसको भी ले लेते हैं। वो है प्राचिता जी का। वो कहती है कि मैम मेरी बेटी यूकेजी में है, उसका बैट कैट का रीडिंग सिखाया गया है, मीन सीवीसी वर्ड्स आपके क्लियर है, लॉन्ग वॉल का कैसे कराएं, टेप ले टेबल उसकी वीडियो बनाना, प्रैक्टिस कैसे कराएं और लर्न कैसे कराएं। देखिए सुरभि कुमार जी ने यही चीज बताई थी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्राचिता जी कैसे कराना है। देखिए आपका है, आपने कहा टेबल, ठीक है, लेक, केक, टेप और एप।
ये वर्ड से सुरभि कुमार जी ने भी दिए थे और प्राचिता जी भी बोल रही हैं सेम चीज के लिए। तो अब देखिए टेबल, अभी जो बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि वॉल से रिलेटेड थी वो, जब किसी भी वर्ड में अगर कहीं पे एक वॉल आ जाता है तो दूसरे वाले की साउंड नहीं यूज करते, ठीक है? पहले वॉवल को देखते हुए दूसरे वाले की साउंड हम यूज नहीं करते। टेबल, ल तक खत्म कर दिया, इसकी कहीं साउंड नहीं है। टेबल यहां तक की साउंड है, इसकी साउंड को हम साइलेंट रखते हैं, ठीक है? ये प्राचिता जी बता रही हूँ तरीका बच्चे को पढ़ाने का, उसमें आपने दो, क्योंकि अगर बच्चा सीबीसी वर्ड्स कर चुका है तो वो वॉवल कर चुका है, ठीक है? अब वॉवल उसे पता चल गया कि कितने वॉवल है, 5 वॉवल है, 5 वॉवल्स में। और सबसे पहले आपने क्या बताना है कि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो बिना वॉवल के हो, क्योंकि वॉवल्स आर द साउंड, साउंड के बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है? तो यहां पर आपने देखा सेम एग्जाम्पल, लेक, लेक, ए ल ए क, दिस इज साइलेंट, लेक, केक, टेप, एप, दिस इज द मेथड होगी कि हमने लास्ट वाली साउंड को नहीं पढ़ना है, जो सेकेंड वाला वॉल आएगा किसी भी वर्ड में, ये मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं, कोई भी वर्ड आप लेते हैं तो पहला वॉवल की साउंड हम बोलेंगे, सेकेंड वॉवल साइलेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है अगेन यू कैन कमेंट। एक कमेंट आया है नीता झा और दीपक झा की तरफ से, दीदी हमको पढ़ना है और आप हमें अ से अनार से लेकर पूरी हिंदी अब तक जितनी आपने कराई है प्लीज सिखाई। तो नीतू झा जी और दीपक झा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी मुझे बहुत खुशी है कि आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये चाहते हैं कि हम भी पढ़े लिखे, क्योंकि मैं हमेशा इस फेवर में रहती हूँ कि सबको पढ़ाई का अधिकार है और सबको पढ़ना चाहिए, और उसका माध्यम अगर मैं बनती हूँ तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने मेरे चैनल पर जाना है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में केजी हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे, तो उसके अंदर आपको स्वर व्यंजन 2-3-4 वर्णों के जोड़, मात्रा, वचन बदलो, लिंग बदलो, सब कुछ मिलेगा। तो आपने करना क्या है, सिर्फ इतना सा कष्ट करना है एक एक करके। हाँ जरूर आपको ये सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी, ये वीडियोस आपको सर्च करनी पड़ेंगी, मतलब आप एक एक वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हुआ ये था कि मेरी वीडियोस थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं, जैसे टॉपिक की डिमांड आती रही मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई। अगर आप भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पे जो घंटी बनी होती है ना उस पर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल के बाद ऑल लिखा आता है उस ऑल पे प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।